साल 1999 बेंगलोर का एक इलाका, एक प्रसिद्ध मंदिर के पास कुछ दूरी पर एक महिला की लाश मिलती है। महिला संपन्न घराने की थी। महिला घर से मंदिर में पूजा करने की बात कहकर निकली थी, लेकिन वो वापस नहीं पहुंची। पुलिस ने जब उसकी लाश बरामद की तो उसके शरीर से उसके कीमती गहने गायब थे। पुलिस को तलाश थी अब उसके हत्यारे की। पहली दृष्टि में पुलिस ने यही माना कि उसकी हत्या जेवरात लूटने के इरादे से की गई है, लेकिन बड़ा सवाल ये था कि आखिरकार महिला जब मंदिर गई थी तो मंदिर से कुछ दूरी पर सुनसान इलाके में कैसे पहुंच गई। पुलिस इस हत्या का सुराग लगाने में नाकाम रही। उसके कुछ समय बाद ही एक और महिला की हत्या ठीक इसी तरह हो गई। वो महिला भी बेंगलोर के एक संपन्न घराने की महिला थी और वो भी मंदिर में पूजा करने के कहकर घर से निकली थी। पुलिस के आला अफसर हैरान थे कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, जो मंदिर में पूजा करने महिलाएं जाती हैं उनकी हत्या कैसे हो जाती है। 1999 के बाद साल 2000, 2001, 2002, 2003 और उसके बाद 2004 लगातार एक के बाद एक महिलाओं की हत्याएं होती रहीं। इनमें कॉमन बात ये थी कि सभी महिलाएं अच्छे घरानों से ताल्लुकात रखती थीं और वो पूजा अनुष्ठान करने की बात कहकर अपने घरों से निकली थी। पुलिस हैरान और परेशान थी। पुलिस ये समझ नहीं पा रही थी कि इस घटना को अंजाम कौन दे रहा है। उसको ये भी नहीं पता था कि हत्या करने वाला महिला है या पुरुष। 2007 में इस सारे मामले से पर्दा हटा। पुलिस के सामने जब हत्यारे का चेहरा आया तो पुलिस एकदम से चौंक गई, क्योंकि वो दुर्दांत अपराधी नहीं था बल्कि ये सीरियल किलर एक महिला थी। जी हाँ, एक महिला। चेहरे से वो बहुत ही सरल और अच्छे घराने की महिला प्रतीत होती थी, लेकिन जब उसने इन हत्याओं की कहानी बताई तो पता चला कि वो एक सामान्य महिला नहीं थी बल्कि महिला के रूप में एक इंसान नहीं बल्कि शैतान। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद शर्मा और आप देख रहे हैं जी मीडिया का खास कार्यक्रम दास्तान ए जुर्म। दास्तान ए जुर्म में आज हम बात कर रहे हैं इंडिया की पहली महिला सीरियल किलर केजी केम्पम्मा की। जी हाँ, केजी केम्पम्मा, जिसको 2007 में बेंगलोर पुलिस ने एक के बाद एक छह महिलाओं की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया था। उसकी गिरफ्तारी से पूरे बेंगलोर में हड़कंप मच गया था, क्योंकि ये अपने आप में एक अलग तरह का मामला था कि एक महिला सीरियल किलर थी और वो भी साइनाइड दे देकर दूसरी महिलाओं की हत्या कर रही थी। आखिर केजी केम्पम्मा ने इन वारदातों को क्यों अंजाम दिया? वो इंसान से शैतान कैसे बन गई? ये कहानी हम आपको आइए अब विस्तार से बताते हैं। 2007 में केजी केम्पम्मा की गिरफ्तारी जब बेंगलोर पुलिस ने की तो उसके लिए एक ये अलग तरह का केस था। शायद पहली बार तब न केवल कर्नाटका बल्कि देश में ऐसा मामला सामने आया था कि एक महिला ही सीरियल किलर बनी हुई थी। उसने एक के बाद एक 1999 से लेकर 2007 तक लगातार महिलाओं का कत्ल किया, और कत्ल की वजह सिर्फ यही थी कि वो लूटपाट कर जल्दी अमीर बनना चाहती थी, ताकि वह भी अमीरों की तरह जीवन व्यतीत कर सके। उसके मन में अमीरों को लेकर एक खास नफरत थी। इसके अलावा उसने गरीबी को बहुत नज़दीक से देखा था और वो नहीं चाहती थी कि दोबारा वो गरीबी का जीवन व्यतीत करें। केजी केम्पम्मा ने पुलिस को जो बयान दिया वो बहुत चौंकाने वाला था। उसने बताया कि वह एक गरीब परिवार में पैदा हुई थी। उसकी एक टेलर से शादी कर दी गई। शादी के बाद उसका जीवन गरीबी में बीता। घर का खर्च चलाने के लिए उसने एक सुनार की दुकान पर नौकरी भी की, जहां पर वो लगातार जेवरों को साफ करने की काम करती थी, यानी कि जो आभूषण आते थे उनकी सफाई का काम वो करती थी
जिसमें पोटेशियम साइनाइड का प्रयोग आमतौर पर किया जाता है। वहीं से उसको ये भी पता था कि अगर पोटेशियम साइनाइड का प्रयोग खाने में मिलाकर या किसी पदार्थ में मिलाकर आदमी को दे दिया जाए तो उसकी तत्काल मौत हो सकती है। इसको ध्यान में रखते हुए उसने एक खौफनाक योजना बनाई और वो योजना थी जल्दी गरीब से अमीर बनने की। अपराधी बनने के पहले केजी केम पम्मा ने एक चिटफंड कंपनी भी बनाई थी, लेकिन जल्दी ही चिटफंड कंपनी डूब गई। उसके बाद केजी केम पम्मा भी कर्ज में दब गई। उसके दिमाग में तब ये बात आई कि क्यों ना वो अमीर लोगों को लूटना शुरू करे। अब उसने जो योजना बनाई उसमें इस बात का ध्यान रखा गया कि उसे कोई जल्दी ना पकड़ सके। उसे करना क्या था? उसने सोचा कि अगर वो किसी अमीर घराने की महिला को निशाना बनाती है तो शायद उसके पास एक तो लूटने के लिए धन भी ज़्यादा होगा और शायद वो महिला उतना विरोध भी नहीं कर पाएगी। इसके लिए उसने एक ताना बाना बुना। उसको ये अच्छी तरह से पता था कि मानसिक रूप से परेशान संतान की चाह रखने वाली महिलाएं अक्सर इलाके के एक मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए आती हैं। केजी केम पम्मा ने धार्मिक चोला ओढ़ लिया। अब वो एक तरह से साध्वी बन गई थी। 1999 में पहला कत्ल करने के पहले केजी केम पम्मा ने मंदिर जाना शुरू किया। वो लगातार ऐसी महिलाओं को तलाश थी जो अमीर घराने की थीं और मंदिर में संतान की इच्छा लेकर आती थी। उसने अपना पहला शिकार जल्दी ही छांट लिया। वो एक अमीर घराने की औरत थी। केजी केम पम्मा ने दो बार मंदिर में उसको देखने के बाद तीसरी बार उससे संपर्क किया और उसे बताया कि वो परेशान ना हो, मैं खुद एक पूजा पाठ कराती हूँ और ऐसी महिलाओं का दुख दूर करती हूँ जिनको संतान नहीं होती। केजी केम पम्मा की चिकनी चुपड़ी बातों में वो महिला आ चुकी थी। उसने पूछा कि आखिरकार अम्मा मुझे करना क्या होगा। इस पर केजी केम पम्मा ने उसको बताया कि उसको अलग से कुछ नहीं करना है, केवल पूजा अनुष्ठान के लिए सर धज कर आना है और घर के सारे कीमती गहने उसको पहन कर आना है। उसने कुछ सामान भी बताया और कहा कि ये लेकर आए वो पूजा अनुष्ठान करेगी और निश्चित ही उसे इसका लाभ होगा। उसकी बातों में आकर उस महिला को शक भी नहीं हुआ और अगले दिन उसने आने का वादा किया। इसके बाद केजी केम पम्मा ने अपना असली रूप दिखाया, लेकिन उस रूप को वो महिला नहीं देख सकी क्योंकि इस महिला के रूप में एक शैतान जो केजी केम पम्मा थी उसको पहचान पाना उस महिला के बस की बात नहीं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक केजी केम पम्मा ने उस अमीर घराने की महिला को 1999 में बेंगलोर के एक प्रसिद्ध मंदिर के पास सुनसान जगह पर पूजा पाठ के लिए बुलाया। वो महिला अकेले ही सारे गहने पहनकर वहाँ पहुँची। केजी केम पम्मा ने उससे पूजा पाठ शुरू कराई और उससे कहा कि वो अपनी आँखें बंद कर ले और ईश्वर का ध्यान लगाए। वो महिला लगातार पूजा पाठ में मगन रही और इधर केजी केम पम्मा के शैतानी दिमाग ने अपना काम करना शुरू कर दिया था। उसने प्रसाद में पोटेशियम साइनाइड मिलाया और उसके बाद अपने शिकार से कहा कि वो आंखें ना खोले और मैं जो प्रसाद दे रही हूँ उसको ग्रहण करे। इसके बाद ही उसको संतान उत्पत्ति हो गई। वो महिला केजी केम पम्मा की बातों में आ गई और उसने प्रसाद समझ अपनी मौत को गले लगा लिया। कुछ देर बाद तड़प तड़प कर उस महिला ने दम तोड़ दिया। उसके बाद केजी केम पम्मा ने उस महिला के सारे जेवर उतारे और वहाँ से रफू चक्कर हो गया। उसने इस बात का ध्यान रखा कि कोई ऐसा सबूत मौके पर ना छूटे जिससे उसे पकड़ा जा सके, और हुआ भी बिल्कुल ठीक वैसा ही, क्योंकि जब पुलिस को उस महिला की लाश मिली तो उसके पास कोई ऐसा सुराग नहीं था जिससे कि वो हत्यारे तक पहुंच सके। काफ़ी छानबीन करने के बाद ये जरूर हुआ कि पुलिस को इतना पता लगा कि महिला पूजा पाठ करने के इरादे से मंदिर आई थी, लेकिन वो कहाँ गई, किसके साथ गई, किसने उसे मारा, इस बारे में कोई सुराग पुलिस के पास नहीं था। नतीजा ये हुआ कि केजी केम पम्मा ने अपने योजना को आगे बढ़ाना शुरू किया। अब उसका टारगेट थी
एक और अमीर घर के घराने की महिला जिसको वो अपना निशाना बना सके। वो लगातार मंदिर जा रही थी और उसकी नज़र में एक और शिकार आ रहा। 1999 में अपने पहला शिकार करने के बाद केजी केम्पम्मा ने करीब एक साल बाद दूसरी महिला को निशाना बनाया और ठीक उसी तरह उसको साइनाइड देकर मौत के घाट उतार दिया और उसके लाखों के कीमती जेवर लूट लिए। ये कहानी पहली कहानी से थोड़ी अलग थी। इस महिला को संतान की चाह नहीं थी, लेकिन पारिवारिक अशांति से वो बहुत दुखी थी। वो लगातार भगवान की शरण में आ रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि भगवान के द्वार पर एक शैतान भी उसका इंतजार कर रहा है। दरअसल केजी केम्पम्मा ने उसको अपनी बातों में फंसाया और कहा कि तुम मंदिर तो आती रहो, लेकिन मैंने कई ऐसी महिलाओं के जीवन में आई अशांति को दूर किया है जो इस तरह के झगड़ों से परेशान हैं। उसका उपाय मेरे पास है। वो महिला केजी केम्पम्मा की बातों में आ गई और इस बात के लिए राजी हो गई कि वो घर के कीमती जेवर पहन कर आएगी, वो उसका पूजा अनुष्ठान करा दे। ठीक उसी तरह अब दूसरे सुनसान इलाके में केजी केम्पम्मा ने उस महिला को बुलाया, पूजा अनुष्ठान किया और अपने शिकार को प्रसाद में साइनाइड मिलाकर खिला दिया। उसका दूसरा शिकार भी मारा जा चुका था। उसके सारे जेवर लूटने के बाद केजी केम्पम्मा फिर से फरार हो गई। पुलिस के सामने फिर एक चुनौती, फिर एक सवाल कि आखिरकार यह कर कौन रहा है, इस महिला का मर्डर क्यों हुआ। पुलिस ने लगातार छानबीन की, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि उसकी हत्या किसने की है। पुलिस को शक पहले उस महिला के परिवार वालों पर भी हुआ कि कहीं पारिवारिक झगड़ों में तो महिला की हत्या नहीं की गई है, लेकिन इस बात का कोई सबूत या गवाह नहीं था। कुल मिलाकर पुलिस के सामने एक यक्ष प्रश्न खड़ा हो गया था कि आखिरकार बेंगलोर में एक साल के अंदर इन दो महिलाओं की हत्या किसने कर दी। साल 2000 के बाद करीब 6 महीने बाद इसी तरह बेंगलोर के नज़दीकी इलाके में एक और महिला का मर्डर हुआ। बिल्कुल ठीक उसी तरह जैसे पहले दो हत्याएं हो चुकी थी। उसके एक साल बाद फिर एक और महिला की हत्या हुई, उसके भी कीमती जेवरात लूट लिए गए। लेकिन पुलिस परेशान और हैरान थी कि ये हो ना हो किसी दुर्दांत अपराधी का काम है। पुलिस ने ये जरा भी नहीं सोचा था कि एक महिला ही इन महिलाओं को अपना निशाना बना रही है। 2005 में भी हत्या हुई, 2006 में भी हत्या हुई, 2007 में केजी केम्पम्मा के गिरफ्तार होने तक पुलिस को इस बात का जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि ये सभी हत्याएं जो की गई हैं ये एक लेडी किलर का काम है, ये सीरियल किलर एक महिला है। 2007 में केजी केम्पम्मा का आखिरी शिकार होने वाली महिला का नाम नागवेणी था। उसके कोई संतान नहीं थी और संतान की चाहत में वो भी लगातार इधर से उधर, कभी डॉक्टर, कभी भगवान के द्वार पर, कभी तांत्रिक के पास घूम रही थी। ये महिला भी केजी केम्पम्मा की निगाह में जल्दी ही आ गई। 2007 में उसने उससे बातचीत शुरू की और इस बात के लिए राजी कर लिया कि वो एक दिन घर से सज धज कर आए और अपने कीमती जेवरातों के साथ आए और फिर वो उसकी पूजा पाठ कराएगी और उसके बाद जो नतीजा होगा तो उसके जीवन में खुशियाँ आएंगी, संतान आएगी और वो खुशहाल रह सकेगी। लेकिन नागवेणी को ये बात नहीं मालूम थी कि वो जिससे बात कर रही है दरअसल वो इंसान नहीं बल्कि इंसान के भेष में एक शैतान है या एक सीरियल किलर है जो लगातार उसके पहले भी 5 महिलाओं को मौत के घाट उतार चुकी है। 2007 में नागवेणी की हत्या के पहले 5 महिलाओं का मर्डर हो चुका था। नागवेणी केजी केम्पम्मा की छठा शिकार थी, लेकिन इस बीच पुलिस पूरी तरह सतर्क थी। पुलिस को इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि जितनी भी हत्याएं हो रही हैं और हत्यारा जो भी है वो खासकर महिलाओं को मंदिरों के आसपास ले जाकर पूजा अनुष्ठान करने के नाम पर उनका मर्डर करता है। और ये हो ना हो अब एक महिला भी हो सकती है, क्योंकि एक महिला ही महिला को आसानी से बातों में बहला फुसला कर ले जा सकती है। उसको इस बात की सूचना भी थी कि एक प्रभावशाली महिला
कई मंदिरों के पास देखी गई थी जो आमतौर पर वहां आने वाले श्रद्धालुओं को पूजा पाठ के बहाने आमंत्रित करती थी। ये बात जैसे ही बेंगलोर पुलिस को पता चली, पुलिस के कान खड़े हो गए। अब उसने सभी प्रमुख मंदिरों के पास अपने मुखबिरों की तैनाती की। सादा कपड़ों में महिला पुलिस वालों को भी लगाया कि वो इस बात का पता लगाएं कि आखिरकार ये महिला कौन है और आखिर किस तरह वहां आने वाले श्रद्धालुओं को अपना शिकार बनाती है। तभी केजी केम्पम्मा पुलिस की निगाह में आई। पुलिस की नज़र अब उस पर थी। केजी केम्पम्मा को लगातार मंदिरों के आसपास देखा गया था। ये बात तो पुलिस को पता चल गई, लेकिन इसे साबित करने के लिए उसके पास कोई सबूत नहीं था कि जो हत्याएं की गई हैं उसकी मुख्य सूत्रधार ये लेडी सीरियल किलर केजी केम्पम्मा ही है। एक दो बार उसके मुखबिरों ने उससे बातचीत भी की, लेकिन वो भी उसकी असलियत को जान नहीं पाए। केजी केम्पम्मा ने उन्हें भी अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से इस बात का यकीन दिलाने की कोशिश की कि दरअसल वो भगवान की बड़ी भक्त है और यहाँ आकर लोगों की मदद करना चाहती है, उनके मन को शांति देना चाहती है। इसलिए वो कई बार सामान्य एक दूसरे का दुख दर्द जानने की कोशिश करती है। इसके अलावा उसका कुछ लेना देना नहीं है। 2007 में नागवेणी की हत्या के पहले जब केजी केम्पम्मा ने उसको बुलाया था तो तब बातचीत करते हुए कुछ लोगों ने उसे देख लिया था। इस बात की जानकारी केजी केम्पम्मा को नहीं। नागवेणी की हत्या के बाद पुलिस का शक मुखबिर की सूचना के आधार पर केजी केम्पम्मा पर गया। पुलिस ने उसकी तलाश में उसके घर पर छापा मारा, लेकिन वो वहाँ नहीं मिली। पता चला कि वो बस स्टैंड की ओर गई है। पुलिस ने तत्काल एक दूसरी पुलिस टीम को सूचना दी और बस स्टैंड की घेराबंदी की गई। यहाँ पर पुलिस दल ने केजी केम्पम्मा को घेर लिया और उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उसके सूटकेस से काफ़ी जेवरात बरामद हुए। जब पुलिस ने पूछताछ की तो केजी केम्पम्मा ने इस बात से इनकार कर दिया कि ये जेवरात उसने किसी से लूटे हैं, बल्कि उसने कहा कि ये तो उसके खुद के हैं जो उसने मेहनत की कमाई से बनाए हैं। हिरासत में लिए जाने के बाद भी पुलिस को केजी केम्पम्मा लगातार घुमाती रही, लेकिन पुलिस ने पहले मारी जा चुकी महिलाओं के घर वालों को बुलाया और उनसे बरामद आभूषणों के बारे में जानकारी चाहिए, जिनमें से कई आभूषणों को उन मारी गई महिलाओं के परिजनों ने पहचान लिया और कहा कि ये तो नागवेणी के ही आभूषण हैं। और बाकी जो महिलाओं के घरवाले थे उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि बरामद आभूषण उनके ही घर की महिला के थे। इसके बाद अब कोई शक नहीं रह गया था कि नागवेणी समेत 6 महिलाओं की सीरियल किलर कोई और नहीं बल्कि केजी केम्पम्मा ही है। अब बारी पुलिस की। पुलिस की पूछताछ के आगे केजी केम्पम्मा अब टूट चुकी थी। उसने स्वीकार किया कि उसी ने 6 महिलाओं की हत्या की और निश्चित ही लूटपाट के लिए ये हत्याएं की गई। उसने बताया कि महिलाओं के पास से जो पैसा और जेवर मिले थे उसमें से वो काफ़ी कुछ बेच चुकी है और उसका बेचने के बाद जो पैसा उसको मिला उससे उसने अपना घर बार चलाया। गिरफ्तारी के समय केजी केम्पम्मा की उम्र करीब 44 साल थी। उसके 2 बेटी और 1 बेटे थे। एक बेटी एमए कर रही थी, दूसरी बेटी फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही थी। बेटा भी उसका पढ़ाई कर रहा था। सारे घर की जिम्मेदारी केजी केम्पम्मा के ऊपर ही थी, क्योंकि उसके पति की आमदनी कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी, इसीलिए उसने लूटपाट की घटनाएं शुरू की। ये उसकी अपनी दास्तान थी, लेकिन अमीर बनने के लिए किसी भी परेशान और शांति की तलाश कर रहे या संतान की चाह कर रहे महिला या पुरुष को मौत के घाट उतार देना कहां तक उचित कहा जा सकता है। केजी केम्पम्मा का अपराध कतई भी माफी योग्य नहीं था। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की, मामला अदालत में पहुंचा और केजी केम्पम्मा को 2012 में केजी केम्पम्मा को अदालत ने सजाए मौत दी। लेकिन बाद में अदालत ने सुनवाई करते हुए उसकी मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। करीब 14 साल बाद अभी भी केजी केम्पम्मा कर्नाटका की एक जेल में
सजा भुगत रही है अपने कर्मों की, अपने उस राक्षसीपन की, अपने उस शैतानपन की, जिसके चलते उसने 6 निर्दोष महिलाओं को मौत के घाट उतारा। केजी केम्पम्मा की कहानी यही खत्म होती। दास्तान जुर्म में आज हमने केजी केम्पम्मा की कहानी आपको बताई। इंसान के भेष में छिपी ये शैतान इस बात का सबूत है कि हमें किसी भी अनजान व्यक्ति पर आसानी से भरोसा नहीं कर लेना चाहिए, उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर अपनी जान नहीं गंवानी चाहिए। हमारा मकसद था आपको सावधान करना। आप सतर्क रहें, स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखें। दास्तान जुर्म की अगली कड़ी में हम एक और कही अनकहनी कहानी लेकर आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त और आप जुड़े रहिए जी मीडिया के साथ। नमस्कार।